रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चुलाई से मिठाई। जैसे नवरात्रि शुरू होंगे तो सभी उपवास रखते हैं, तो इसके लिए कोई चुलाई के लड्डू बनाता है, कोई खीर बनाता है। आज हम आपके लिए मिठाई बनाएंगे। इसमें चुलाई है, इसमें चीनी है, इसमें कद्दूकस किया गोला है, इसमें थोड़ी सी बादाम की गिरी है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ये थोड़ा सा मावा है। सबसे पहले हम कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें चीनी डालेंगे और एक गिलास पानी डालेंगे। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई। आप इसमें चीनी के हिसाब से कम पानी डालना तो चाशनी जल्दी बनेगी। देखो चाशनी तैयार हुई। अब इसमें हम ये मावा डालेंगे, को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो हमने इसमें मावा मिला लिया। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके चुलाई डालेंगे। चुलाई इसी के हिसाब से डालना चाशनी के, ऐसा नहीं कि हमें सारी डालनी है। करेंगे देखो हमने इस थाली में घी लगा लिया। इसमें थोड़ा थोड़ा गोला कद्दूकस किया, नीचे डालेंगे। इसमें हम ये मिठाई डालेंगे। देखो हमारी मिठाई अच्छे से फैल चुकी है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा गोला ऊपर भी डालेंगे, इससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो हम मिठाई बना के आपको दिखाएंगे, पूरी तैयार हो जाएगी, तब आप हमारे चैनल पे बने रहिए। देखो ये बादाम की गिरी है, इनको हमने बीच से काट लिया है। इनको अब ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लगाएंगे, फिर ये मिठाई के पीस में काटेंगे तो ये बीच में आएगी, इससे इसका और भी अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में अच्छा स्वाद भी आएगा। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देखो हमारी मिठाई बनके तैयार हुई। अब इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे ऐसे। देखो एक एक करके सारी मिठाई ऐसे ही काट लेना। अगर नवरात्रों में आप भी उपवास रखोगे तो ऐसे ही मिठाई बना करके खाना। मिठाई सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। बनाकर और खाकर देखना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।